हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम चल रहे हैं सुल्टकेश्वर महादेव। आज वहां दर्शन करेंगे और वहां नहाएंगे भी, क्योंकि वहां गंगा जी हैं और दर्शन उनका काफ़ी भव्य होने वाला है। आज गुरुजी भी आए हैं वहां पे और हमारी फैमिली भी जा चुकी है और हम आकाश और भैया बचे हुए थे। तो अभी चलते हैं बाइक से हम लोग। हम आ गए हैं और यहाँ सब लोग नहा रहे हैं, पीछे देख सकते हैं सब लोग हैं। चलते हैं। अभी मेरा टाइम है नहाने का। गाइस तो चलते हैं नहाते हैं और काफी इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। गुरुजी भी नहाएंगे, डिसीजन ले लिए, नहीं नहाने का था पर अब नहाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। गाइस कमेंट में बताइए कि आप लोग भी गंगा जी जाते हैं नहाने की नहीं? सारा पाप धुल जाएगा पर मन का कैसे धुलेगा? मन भी धुल जाएगा। ये है हमारे छोटे भाई। अरे राहुल जी इधर आइए, आपको ब्लॉग में ले लेते हैं। जी जी जरूर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा ट्रिप हो गया। ये देखिए हमारे ऊपर गंगा मैया की कृपा हो गई है और ये कृपा बनी रहे। माता रानी की जय हो, जय हो, जय हो। आप लोग देख रहे हैं गंगा जी में बाढ़ आ गया है और बाढ़ में बड़े बाबा के ऊपर आ गया है। देखिए भोलेनाथ भगवान आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। बार नहीं है इसीलिए प्रभु ने हमें धारणा करने के लिए कहा है और हम धारण करके पूजा पाठ करके नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुर 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 विष्णु विष्णु श्री श्री माधव माधव भगवतो भगवतो महा महा पुरुषस्य पुरुषस्य विष्णु विष्णु राज्ञा राज्ञा भवतो मानस्य मानस्य आद्य आद्य श्री श्री ब्रह्मरोहिणी ब्रह्मरोहिणी द्वितीय द्वितीय अर्धे अर्धे श्री श्वेत श्वेत वारह वारह कल्पे कल्पे वैवस वैवस मन मन वंतरे वंतरे अष्टा अष्टा वीना वीना शतितमे शतितमे कलियुगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कलि प्रथम चरणे यमुत्रे भारतवर्षे भारतवर्षे भरतखंडे भरतखंडे आर्या आर्या वर्तैक वर्तैक रते रते वाराणसी वाराणसी क्षेत्रे क्षेत्रे महा महा अस्मसाने अस्मनाने आनंदमने आनंदमने गौरी मुखे गौरी मुखे कंटक कंटक विराजते विराजते भागीरथ्याः भागीरथ्याः वस्वे तीरे विश्रम सके सिंगल सिंगल नामक संवत्सरे सूर्ये श्री सूर्ये महामांगल्या महामांगल्या प्रथमासो रवे मासे पवित्र पुण्य पवित्र मासे मासे आषाढ़ मासे आषाढ़ मासे श्रेहे शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्षी सोम्याम श्री श्री सुल्तानकेश्वर सुल्तानकेश्वर देवादिदेव महादेवस्य गंगा जल धारया दूध धारया रंग न्यास विधिना रुद्राभिषेक अहम ब्राह्मण द्वारा करिष्ये।
सभी लोग छोड़िए दोनों हाथ से फिर जल लेकर सततम सततम नमः 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 ऋते अद्राय यता प्रणता गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुका वैरी जले अस्मिन् नदु महादेव की बाबा विश्वनाथ की माता शक्ति की माता भक्ति की महाराज की जय नंद के आनंद भयो हर हर गंगे जय गंगे हर हर गंगे जय गंगे हर हर गंगे जय गंगे हर हर गंगे। तो अभी सब लोग नहा लिए और अभी हम लोग चल रहे हैं रुद्राभिषेक करेंगे सुल्टकेश्वर महादेव का और गुरुजी करवाएंगे, तो चलते हैं। अभी मम्मी जी लिख रही हैं राम राम और बेलपत्र पे, क्योंकि अभी होगा रुद्राभिषेक और अंदर चल रही है पूजा। अभी देख सकते हैं पंडित जी गुरु जी हमारे करा रहे हैं और पापा हनुमान जी को लेप कर रहे हैं सिंदूर से। नमस्ते महाचार्योरापापकाशिनी दया सन्वासन सुल्टकेश्वर महादेव की। देखिए पंडित आर्यन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अभी हम लोग करेंगे बाबा का रुद्राभिषेक और आप सभी लोग देखिए इस चीज को और आप लोग भी अपने घर करवाइए बाबा का रुद्राभिषेक। जय हो, भाग लीजिए। जय हो। शिवशंकरस्तु जे भेदं भूतं भवत् परिग्रहीतम्।
अभी ये फूल है आ गया है, और बुआ और मम्मी देखिए लिख रही हैं राम राम पत्ते पे, देखिए लिखा हुआ है। ये बाबा को चढ़ेगा शूलटकेश्वर महादेव जी को, और अंदर अभी श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है, और देख सकते हैं इसी से होगा श्रृंगार बाबा का, और अभी हम सब लोग करेंगे। और अभी तो मम्मी और बुआ लग के कर रही हैं, और अभी रुद्र सिख हो गया है, अभी हम सब मिल के बाबा का श्रृंगार करेंगे। पा लेप कर रहे हैं गणेश जी भगवान का, और इधर चल रहा है पूजा, श्रृंगार की तैयारी हो गई है शुरू, और गुरु जी के द्वारा कराया जा रहा है रुद्राभिषेक। श्रृंगार का कार्यक्रम बस कुछ ही समय में होने वाला है। हो गया है बाबा का श्रृंगार, देख सकते हैं काफी भव्य श्रृंगार हुआ है, अच्छा श्रृंगार हुआ है बाबा का, देख सकते हैं। हरार महादेव, हरार महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं घर पर, पूजा आरती और बाबा का श्रृंगार हुआ आज, और रुद्राभिषेक भी आज हुआ, हम सब लोग मिलके किए, और काफ़ी समय हो गया था, लगभग 4 घंटे लग गए, और हम लोग काफ़ी आज इंजॉय किया है, गंगा स्नान भी किया, अभी चलते हैं घर। तो आज का जो दिन रहा गाइस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि शूलटकेश्वर महादेव जी का दर्शन हुआ, और वहाँ पे हम लोग गंगा स्नान भी किए, और श्रृंगार भी हुआ बाबा का, जो कि आपको वीडियो में मैंने दिखाया अपने ब्लॉग में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिलहाल आ गए घर, तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे से लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।